हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। ये जो छात्रों का आक्रोश आप देख रहे हैं, यह और कोई नहीं 1932 के हथियार लागू होने पे जो खुशी छात्रों में थी, वही नियोजन नीति के रद्द होने के बाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद छात्रों में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आक्रोश है और ये उनका पुतला दहन कर रहे हैं। इससे हजारों नहीं लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं और कई नियुक्तियाँ होने वाली थी और जो हो गई है वो भी इससे प्रभावित होगी। छात्रों का भविष्य अंधकार में है और ऐसे में छात्र करे भी तो क्या करे। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 2021-22 को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था और सारी नियुक्तियां रद्द हो गई। इसको क्या माना जाए, अब आने वाला समय बताएगा कि चुनाव में छात्र किसके करवट आते हैं। लेकिन यह आक्रोश देखकर लग रहा है कि सरकार से लोग काफ़ी नाखुश और नाराज़ चल रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री का यात्रा चल रहा है पूरे प्रदेश में और दूसरी तरफ ये विरोध यही दर्शाता है कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं। और जब युवा सड़कों पे इस तरह के पुतला दहन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी छवि पूरे विश्व में ख़राब होती है। और जब यही हाल कुछ दिनों से बिहार का भी था और अब झारखंड में, अब युवा करे भी तो क्या करे। सालों साल नौकरी की तैयारी करने के लिए घर बार से दूर रहते हैं और अपनी पीड़ा अब बताएं तो किसको बताएं। यही आक्रोश आपको यह पुतला दहन के दौरान देखने को मिल रहा है और आए दिन अब यह परंपरा चलेगी। और जब तक नियोजन नीति को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता, छात्रों में यह आक्रोश बना रहेगा और छात्र मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की पुतला दहन इस प्रकार कर रहे हैं जैसे कि लग रहा मानो कितना गुस्सा हो। यह नज़ारा आया आप देख रहे हैं और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि छात्रों में कितना आक्रोश है। पुतला दहन के बाद भी लात और घुस्सों से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। और राज्य जवाब किया था लेकिन आज माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी इस नियम को रद्द कर दिया गया है। और आज हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि आज हम लोग यहाँ पे पुतला दहन किया है सभी दो लोगों का। अगर 15 दिन के अंदर में झारखंड में सभी विधायक मिल करके नियोजन नीति नहीं बनाएंगे तो पूरे राज्य में 81 विधानसभा के क्षेत्र में जितने विधायक है 81 विधायकों का पुतला दहन करेंगे पूरे राज्य में और पूरे झारखंड दहन करेंगे। ये झारखंड के सभी बेरोजगार युवाओं का आह्वान है और इस आंदोलन को सड़क से लेकर सदन तक निकलने की तैयारी है।